नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सहर शहर, जिस प्रोग्राम में हम आपसे जुड़ी आपके काम की बातें आप तक लाएंगे ताकि आपको भी और जानकारियां मिले, यही हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले आज के दिन आप हर दिन अपने स्मार्टफोन या अपने कंप्यूटर की चमकीली स्क्रीन्स के आगे कितना वक्त बिताते हैं, कितना वक्त बीत जाता है, क्या इसका कोई अंदाजा भी है आपको? नहीं, 6 घंटे 7 घंटे ये औसत है। तो हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं जो रिसर्च से सामने आए हैं। तो नई ग्लोबल रिसर्च है और ये रिसर्च मेरे पास है जिसमें कहा गया है कि औसत है दुनिया का, ग्लोबल एवरेज है 7 घंटे। डेटा रिपोर्टल की 2023 की ये रिसर्च है कि 16 से 64 साल के उम्र के जो लोग हैं वो तमाम प्लेटफॉर्म मिलाकर, जिसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग भी है, तमाम चीजें हैं, औसत समय 6 घंटे 37 मिनट है। और जो भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, वो अपने स्मार्टफोन पे चाइनीज और अमेरिकन से ज्यादा समय बिताते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक रीसेंट हाल की जो एक रिपोर्ट है रेडसियर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स, उसमें बताया गया है कि 7.3 घंटे पर डे स्क्रीन टाइम है इंडियंस का, वो अपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं कई पर्पस के लिए। उसमें हो सकता है ऑनलाइन मैसेजिंग हो, उसमें हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो। और साथ साथ अमेरिका का भी बता दूं आपको कि द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका में बताता है कि औसत स्क्रीन टाइम यूजेज जो है वो यूं है, 6 घंटे हैं 8 से 10 साल के बच्चों के लिए, 9 घंटे हैं 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और 7.5 घंटे हैं 15 से 18 साल के युवाओं के लिए। अमेरिका में कुल स्क्रीन टाइम जो है उसका 32.46% हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के यूजेज में टॉप पर है इंडिया, बल्कि कह सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्ट है हमारा देश। कुल स्क्रीन टाइम यहाँ पर 44.39% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से कहीं ऊपर है, ग्लोबल एवरेज 38% है। तो इतना ज्यादा जो हम स्क्रीन टाइम मतलब चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो आप ब्राउजिंग कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है, काम के लिए भी हो सकता है, इसका असर क्या होता है कभी आपने सोचा है? सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सहूलत हो जाती है, लेकिन जब हम ये करते हैं तो इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा? हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में और इसके साथ साथ WHO फेलो भी हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे समझना चाहती हूँ कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल इतना बेधड़क है, आप जहां देखें सबकी गर्दन यूं रहती है, ऊपर होती नहीं है, तो इतनी ज्यादा जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं इंटरनेट का, हेल्थ इंपैक्ट भी इसका कुछ होता है? वन बाय वन अगर देखें। नगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो मेरे को शो पर होने के लिए, एंड एज आई कैन बिलीव कि आपका डिजिटल प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस सेशन है ये। और पहला मुद्दा जो आपने उठाया ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी आपकी और सबकी प्रॉब्लम है करके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम बात करें बच्चों से लेके बूढ़ों तक, यू सी एवरीबडी इज हुक्ड टू द स्क्रीन इन वन वे और द अदर। वो किस तरह से है, अगर हम बात करें कि माँ बाप आजकल वर्किंग है और वो उनको अगर कई बार होता है कि उनके पास टाइम नहीं है, या न्यूक्लियर फैमिलीज हमारी, यानी कि पहले तो हमारे संयुक्त परिवार होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो माँ बाप को समझ नहीं आता कि बच्चे को कहाँ भेजना, तो उसके हाथ में हम या स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, इस तरह से कोई डिजिटल डिवाइस होती है वो है करके। और जैसे कि आपने बताया कि इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया का भी बड़ा है, ब्राउजिंग का भी बड़ा है, एंड ऑल्सो जो हमारे ऑफिसेस भी हैं, पहले हम काम करते थे टाइपराइटर पे, अब हम काम करते हैं कंप्यूटर्स पे, तो ओवरऑल जो है हमारा डेफिनेटली स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा है। परंतु इंडिया का तो डॉक्टर गर्ग ये दिख रहा है कि हाईएस्ट है, और सोशल मीडिया में तो इंडिया जो है वो सोशल मीडिया एडिक्ट है, और बच्चों की बात तो है लेकिन बड़े, अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि माँ बाप के पास वक्त नहीं है, बच्चों के हाथ में फोन दे दिया, पर वो माँ बाप भी शायद पास में फोन लेके बैठे हैं और बच्चे भी फोन लेके बैठे हैं, तो वन बाय वन अगर देखिए तो इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या है, एक बहुत बड़ा बच्चों में क्या दिखता है हेल्थ इंपैक्ट? देखिए बेसिकली मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगी कि अगर डाइनिंग टेबल पे भी अगर 4 लोग बैठे हैं, 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब लोग केवल अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो आपस में भी कनेक्शन खत्म हो गया है। तो जहां तक कि मैं आपको बात करूं स्क्रीन टाइम के क्या क्या इफेक्ट्स है, पहले तो मैं ये बता दूं
कि हेड से टो तक अगर हम बात करें, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो इससे अफेक्टेड नहीं है। इन द सेंस अगर आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिमाग में भारीपन और क्लाउडिंग ऑफ, यानी कि थॉट्स जो है आपकी मिक्स होती है, जैसे आप पहले फ्रेश फील करते हैं आप। जी जी, ये रेडिएशन भी एक वेव्स भी है, इससे वजह से भी ये होता है बिल्कुल। और दूसरी चीज हमारी आंखों पे आप देखेंगे कि आप जो है, अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि अगर 20 मिनट आप स्क्रीन पे काम करते हैं तो 20 फुट दूर देखें 20 सेकंड के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें ताकि आपको रिलैक्स मिले। तो ये आपको हर 20 मिनट करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट काम है तो 10-10-10, यानी कि 10 मिनट काम करें, 10 फीट दूर देखें और 10 सेकंड के लिए देखें। और आजकल तो ये भी आ गया कि आपने, कई लोग 30-30-30 का करते हैं, बट रिकमेंडेड इज 20-20-20, 20 मिनट के लिए काम करें, 20 सेकंड दूर देखें 20 फुट की दूरी पे, क्योंकि आइडिया केवल आंख को ही रिलैक्सेशन ना मिले, मस्तिष्क को भी रिलैक्सेशन मिलना बहुत जरूरी है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई 20-20-20 की, 20 मिनट भी अगर देखें तो फिर 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से आंखें हटाएं और 20 फुट दूर देखें। पहले आपने कहा था कि क्लाउडिंग भी होती है ब्रेन की, और असर ब्रेन पे भी पड़ता है, असर आईसाइट पे भी पड़ता है, जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है बच्चों में, या उनकी जो सोचने की क्षमता है उस पे भी असर पड़ता है। सोचने की क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अगर कोई भी सवाल पूछे तो बच्चा आज व्हाट्सएप में देखता है, गूगल में देखता है करके, आज का बच्चा जो है वो व्हाट्सएप वाला बच्चा है, परंतु आज का बच्चा ऑल्सो मैं ये कहूंगी गेमिंग वाला बच्चा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि और कुछ नहीं, गेम्स खेल लो, और बच्चे और जबकि रिकमेंडेड ये भी है कि 2 साल से कम बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 2 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे का होना चाहिए, और एडल्ट्स के लिए कोई सेपरेट वो नहीं, उनका भी लगभग 2 ही घंटे होना चाहिए। तो अगर हम मेट्रो में सफर कर रहे हैं या गाड़ी में सफर कर रहे हैं, हम ड्राइव नहीं कर रहे, ऑटो में बैठे, तो भी हमारा ये नहीं हम पता करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अक्सर ये होता है कि कुछ समय बाद वो हमारा रास्ता छूट जाता है, हम कह रहे हैं भैया कहाँ पे हो करके, क्योंकि हम लोग इतने खोए हुए होते हैं करके। परंतु इसके और भी असर है, आप देखेंगे कि बच्चे हैं बड़े हैं, उन्होंने बाहर, हम कहते हैं आज की तारीख में हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सब इनकी वजह क्या है, मोटापा हमारा, तो मोटापा क्यों है या हमारा ओवरवेट क्यों है, क्योंकि जो टाइम तो हम फोन जो है वो आपका मोटापा भी बढ़ा सकता है जी, क्योंकि आप बैठे फोन, टीवी हो गया, इसमें फोन हो गया, कोई भी स्क्रीन जी जी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जिसको हम कहते हैं काउच पोटैटो सिंड्रोम, यानी कि आप आलू जैसे हो गए, आप एक कुर्सी पे लगातार बैठे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमें जो देखनी है कि बच्चों को, और कोविड टाइम में तो और भी हमने क्यों ओबेसिटी देखी या मोटापा क्यों बढ़ते हुए देखा, क्योंकि बच्चों का या बड़ों का सबका निकलना बाहर बंद हो गया था, जो घर में या तो हम खाते थे या हम टीवी देखते थे या मोबाइल देखते थे, स्मार्टफोन देखते थे, तो इस वजह से स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, हम बेसिकली कहते हैं आजकल हमारा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी आया है, यानी कि आपको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, बट योर लिवर कैन बी अफेक्टेड, ठीक है, लिवर पे उसका असर पड़ेगा। परंतु ऑल्सो हमारे जो है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा या हमारे को लंबा समय लगेगा और हम कंटिन्यूअसली, बिकॉज आप स्क्रीन देख रहे हैं तो उसका असर दिमाग, तो स्ट्रेस होगा, तो हाइपोटेंशन भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा करके, तो ये भी जरूरी है करके। तो स्क्रीन वॉचिंग कई दफा एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है, बहुत लोग न्यूज कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी हैं आप कह रहे हैं जिससे आपका तनाव भी बढ़ता है, और दूसरे की आप लगातार चूंकि उस रेडिएशन से भी एक्सपोज हैं, तो उससे भी क्या, खास करके बच्चों में मेंटल एलिमेंट्स का कोई कनेक्शन सीधा नहीं है, पर आप कैसे देख रही हैं इसको कि क्या इस पर असर पड़ता है कुछ? देखिए, आपकी शुरुआत कैसे होती है, एंग्जाइटी से, यानी कि मान लो बच्चे को हम अगर ना वॉच करें, कोई आपका आता है CID सीरियल आता है, कोई यू नो समथिंग रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग, नॉट अ नॉर्मल थिंग, हम करके बेसिकली अगर नॉर्मल भी हो तो स्क्रीन टाइम तो असर डालता ही है, परंतु बच्चा जरूर सोचता है। हमने कई बार देखा है कि आपने देखा होगा कि कई बार बीच में कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो गेमिंग से रिलेटेड है, विच ऑल्सो कंपेल चिल्ड्रन टू कमिट सुसाइड, हमने ये भी देखा है करके।
सो बेसिकली बीच में ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों के मीडियम से हम लोग देखते थे कि कितने लोगों ने सुसाइड किया वगैरह, तो बहुत जरूरी है करके. इम्पॉर्टेंट है कि हमारा स्क्रीन टाइम कम हो, हमारा फैमिली टाइम बढ़े, हम लोग घर के कामों में सहयोग करें. प्लस डॉक्टर गर्ग, द प्रॉब्लम इज के फैमिली टाइम बढ़े और स्क्रीन टाइम कम हो, ये सब है, पर सिर्फ ये बच्चों की समस्या नहीं है, ये बड़ों की भी समस्या है. जब खाली में बैठते हैं तो सारे लोग अपने अपने या तो फोन पे होते हैं ज्यादातर, चूंकि फोन आपके हाथ पे होता है. टेलीविजन पे मिलकर देखे तो अलग बात है, पर टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन्स हो गए. नाउ इस पे कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, पर अगर मैं कहूँ बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, व्हाट्स एन आइडियल स्क्रीन टाइम, कितना स्क्रीन टाइम, इनफ स्क्रीन टाइम है इन अ डे? मैंने आपको जो बताया कि बच्चों के लिए जो है 2 साल तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्क्रीन टाइम. 2 से 14 साल जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, अब एडोलेसेंट बोले तो उसमें 10 से 19 साल आ जाते हैं एडोलेसेंट, यानी कि ठीक है जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो सब भी पीडियाट्रिक के डोमेन में आते हैं. तो परंतु उनके लिए भी स्क्रीन टाइम जो है 2 घंटा ही है 2 साल से ऊपर का. एडल्ट्स के लिए कुछ भी कट ऑफ नहीं है, तो मैक्सिमम हम कहते हैं आप नॉर्मल अगर यूज करें अनलेस योर जॉब डिमांड्स, तो 2 घंटा उनके लिए भी, क्योंकि बहुत कम लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है. और तीसरी बात कहना चाहूंगी कि इवन फॉर एल्डरलीज आल्सो, इसी हम ये नहीं कहेंगे कि वो एडल्ट्स हैं ओल्ड हैं तो सारा टाइम वो देखते रहें, क्योंकि बेसिकली जैसे कि आपने बोला कि हमने बात करी बच्चों की ही, बच्चों में कहां हम परिवर्तन लेके आएंगे, वो तभी आएगा परिवर्तन जब टीचर्स माँ बाप खुद कन्विंस होंगे कि बहुत जरूरी है करके कि हमें स्क्रीन टाइम को कम करना है. एक बार फिर से लोगों के काम के लिए एक बार फिर से दोहरा दूं उस बात को और आपसे कि एक्सेस हद से ज्यादा स्क्रीन के सामने रहने से, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टीवी हो, किस किन किन आपके हेल्थ के नुकसान क्या क्या है. आपने शुरुआत किया था ब्रेन से, प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है. बिल्कुल, हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ सकते हैं जिसमें कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जब ये सब हो जाएगा तो फिर स्ट्रोक की भी संभावना ज्यादा रहती है, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, आपका अर्धांग हो जाना करके, या पैरालिसिस, हाफ साइड पैरालिसिस, फुल पैरालिसिस, या फिर मैंने कहा मेटाबॉलिक लिवर सिंड्रोम, जो कि हमारा आज के डेट में एक नेशनल प्रोग्राम भी बन गया क्योंकि इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है करके. और जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ेंगे तो लोगों के कम चलने फिरने की वजह से हो रहा है, कम एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, बैठे रहने की वजह से. यस, प्लस स्ट्रेस भी है. यू सी, अगर हाइपरटेंशन है तो स्ट्रेस भी है कहीं ना कहीं, है ना. तो प्लस जो हम प्रोग्राम सीखते हैं उसका डायरेक्टली असर हमारी सोच पे भी पड़ता है. तो ये हमने जरूर देखना है कि किस तरीके से हम अपने रेगुलेटेड वे में, आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, से नो टू क्रैकर्स, हमारे बच्चों ने दिवाली पे पटाखे कम कर दिए, है ना. टीचर्स ने जो आएगा, या पोलियो उन्मूलन से ना बने, वो हमारे टीचर्स ने वो करा करके. तो बेसिकली डिटॉक्स जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, और ये टर्म भी आ गया है. बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गर्ग मासा जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि हेल्थ इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं. तो जाहिर ही बात है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि स्क्रीन के सामने ना हो, लेकिन जैसा डॉक्टर गर्ग ने बताया एक मॉडरेशन में, एक संतुलन होना चाहिए, कितना करें और एक्सेस ना करें, आपके ही अपने स्वास्थ्य के लिए कितना ये खतरनाक है, जरूर एक बार फिर इस बारे में सोचिएगा. बहुत धन्यवाद आप लोगों का. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद.